हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल बॉटनी के लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर में नया टॉपिक ले रहे हैं, जर्म प्लांट स्टोरेज। इसे आज हम समझा रहे हैं। वैसे हमने इसका पीडीएफ जो कंटेंट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है और आज मैं इसको समझा रही हूँ। जर्म प्लांट क्या होता है पहले तो हमें ये पता हो, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर हमने पढ़ लिया है। तो जर्म प्लांट किसी भी स्पीसीज के, डिफरेंट स्पीसीज हमारी जो हैं वो एक लिविंग कंडीशन में, एक लिमिटेड एरिया में रह नहीं सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हैं वर्ल्ड में जो कि एक लिमिटेड एरिया में यदि हम रखें तो उसके लिए शायद जगह कम हो जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनके छोटे पौधों को, ग्रोथ रिड्यूस ग्रोथ वाले पौधों को एक जगह रखें, ठीक है, या उनके कहना चाहिए किसी जेनेटिक स्टॉक को हम एक जगह लिमिटेड एरिया में रखें, उसे हम कहेंगे जर्मप्लाज्म स्टोरेज। ठीक है, तो जर्मप्लाज्म स्टोरेज क्या है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ जेनेटिकली वेरिएबल स्टॉक्स म्यूटेसेस ऑफ अ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्टॉक्स इन अ लिविंग कंडीशन। ठीक है, इट इज इन लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड द जर्मप्लाज्म मेंटेनेंस दिस इज ऑफन कॉल्ड इन विट्रो जर्मप्लाज्म स्टोरेज। इन विट्रो का मतलब है हम केवल और केवल किसमें कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो वैनिश हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जितनी हैं उन्हें हम संभाल सकते हैं इसके द्वारा, स्टोर करके। आपने सुना होगा कि स्पर्म बैंक होती है, जीन बैंक होती है, ये पढ़ा भी है आपने, बीएससी में पढ़ा है, ट्वेल्थ में पढ़ा है, जीन बैंक होती है और स्पर्म बैंक होती है, ओवा बैंक होती है। तो वो क्या करती है, इन सबको प्रिजर्व करके और आगे फ्यूचर में उसको काम में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी कुछ स्पीसीज तो नष्ट हो चुकी है उनको हम अब नहीं ले सकते, लेकिन हमारी जो एंडेंजर्ड स्थिति में स्पीसीज है उनको हम कहना चाहिए कि एक लिविंग कंडीशन में रख सकते हैं और उनसे नए प्लांट्स उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही है, द मेनी प्लांट रेसेस हैव बीन वैनिशिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, आदमी की विभिन्न एक्टिविटीज के कारण, क्योंकि फॉरेस्ट कट गए तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल के जंगल समाप्त हो गए, उस वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज है वो समाप्त हो गई, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण खत्म हो गई। तो हम उनको जेनेटिक स्टॉक को एक लिविंग कंडीशन में जो है वो रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया में कुछ स्पीसीज को जहां तक हो सकता है संभव उन्हें हम रख सकते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। तो जर्मप्लाज्म स्टोरेज को हम जर्मप्लाज्म को मेंटेन कहां कर सकते हैं, इन अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जिसके अंदर हम टिश्यू कल्चर करके डिफरेंट प्लांट रीजनरेट करते हैं, वहां हम इनको रख सकते हैं। द कल्चर कलेक्शन दैट कंटेन ऑल जेनेटिक स्टॉक और वन और मोर स्पीसीज इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म बैंक। ठीक है, तो जर्मप्लाज्म बैंक क्या हो गया कि वहां पर बहुत सारे स्पीसीज या एक स्पीसीज के बहुत सारे स्टॉक या फिर डिफरेंट स्पीसीज के स्टॉक्स को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे इस बैंक में क्या क्या है, कैलस टिश्यू, मेरिस्टेम्स रखे जा सकते हैं, पोलन ग्रेन्स रखे जा सकते हैं, देन इन सबको हम कहाँ रखते हैं, लो ग्रोथ मीडियम पर। ज्यादा हम मीडियम रख देंगे, अच्छे ग्रोथ वाला मीडियम रखेंगे तो जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी और वो प्लांट्स बड़े हो जाएंगे और हमारे लिए जगह कम हो जाएगी। तो हमको बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, और मिनिमल ग्रोथ रिक्वायरमेंट पर, मीडियम पर हमको प्लांट्स को प्रिजर्व करना होता है। इसे क्या होता है, देखिए, इन लो ग्रोथ मीडियम एट ए लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस द ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को रिड्यूस करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, और जिससे क्या होता है कि ये सारी चीजें एकदम मेंटेन रहती है। लो ग्रोथ मीडियम से ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और छोटे छोटे प्लांट्स के रूप में वो हम स्टॉक को लेबोरेटरी में रख सकते हैं। देन एक शब्द आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आइस में, क्रायो का मतलब होता है ठंडा,
और ठंडे वाली जगह पर प्रिजर्व करना किसी चीज को। तो जर्म स्टोरेज को हम क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, इन विट्रो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर रखें तो हम उसे कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इस क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या क्या रख सकते हैं? सेल सस्पेंशन, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं, पोलन ग्रेन ले सकते हैं, जिसके भी हमें आगे किसी के हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो हम पोलन्स ले सकते हैं, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, इवन मेरिस्टेम्स तक हम ले सकते हैं डिफरेंट रेसेस के, और उनको हम एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है? लो टेम्परेचर मेंटेन करती है फॉर लॉन्ग टाइम। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है? बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टाइम पर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। तो स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे हम हमारी कोई सब्जी हम ज्यादा ले आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्या होती है, उसकी जो लो टेम्परेचर से उसकी जो ग्रोथ है वो, जो सेल्स की जो एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, वो कम हो जाती है। तो लो टेम्परेचर हमारा क्या मेंटेन करता है? लॉन्ग टाइम स्टोरेज को रखता है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे एक एप्पल है वो बाहर पड़ा हुआ है और हमने फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज वाले की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी सेल्स की वो रिड्यूस होंगी, जिससे वो ज्यादा दिन तक चल जाए। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर रख, लो टेम्परेचर रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ स्टोर्ड सीड, स्टोर्ड सीड की भी जो है वो ग्रोथ रेट को कम करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिलेड एजिंग, डिलेड एजिंग मतलब एज उसकी बढ़ती नहीं है, जल्दी नहीं बढ़ती है, लो टेम्परेचर से ये फायदा होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम पर इसकी वायबिलिटी फिर भी बनी है। द प्लांट्स कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम क्रायो प्रिजर्वेटिव प्लांट मटेरियल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन विट्रो स्टोरेज। जो भी हमने स्टोर किया है उनसे हम प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। जैसे आपने सुना ही है, मैंने अभी अभी कहा कि स्पर्म बैंक होती है, ओवा बैंक होती है, तो उनको बहुत लंबे टाइम के बाद भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो क्रायो प्रिजर्वेशन उनका किया जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज है, प्लांट मटेरियल डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल करेक्टर्स। एक तो ओरिजिनल करेक्टर्स नहीं जाते हैं उसके, दूसरे उनकी वायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। वायबिलिटी मतलब उनकी जिंदा रहने वाली कैपेसिटी पर कोई भी अंतर नहीं आता। हम पढ़ते ही हैं कि स्पर्म बैंक जो है वो स्पर्म या ओवा बैंक में ओवा प्रिजर्व किए जाते हैं, और वो कई कई साल बाद, मतलब इवन 50-50 साल बाद उनको हम यूज कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो जर्म प्लाज्म स्टोरेज का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, कैलस टिश्यू, पोटैटो, पी, कोकोनट, राइस, ऑयल पाम, स्ट्रॉबेरी, शुगर केन आदि को इसमें क्रायो प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट इसके स्टेप्स हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के, कि हम कैसे स्टोरेज करें, क्रायो प्रिजर्वेशन किस तरह करें, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि इसमें 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है प्लस लिक्विड नाइट्रोजन ली जाती है। तो इसके स्टेप्स भी हमें पता हो कि हम किस प्रकार से इसको स्टोर कर सकते। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। जो भी प्लांट हमें स्टोर करना है उसे हम कलेक्ट, तो हमारी जो स्टेप्स है इसकी क्रायो प्रिजर्वेशन के वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, देन एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स। पहले हम उसको मटेरियल को कलेक्ट करें, देन उसे हम क्या करें, क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट उसमें मिलाएं, देन उसका फ्रीजिंग ट्रीटमेंट करें, और लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज हम किस तरीके से उसको करें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। देखिए प्लांट मटेरियल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमने बताया प्रोटोप्लास्ट ले सकते हैं, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, सेल सस्पेंशन ले सकते हैं। सेल सस्पेंशन क्या है, जो सेल्स हैं जो हम कल्चर कर रहे हैं, कैलस की सेल्स हैं, वो भी सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन किसका होगा, लिक्विड मीडियम का होगा। पोलन ग्रेन्स ले सकते हैं, इन एम्ब्रियोज ले सकते हैं, इनको मेरिस्टेम्स ले सकते हैं, इनको हम यूज करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, सेल सस्पेंशन एंड प्रोटोप्लास्ट जब भी हम लेते हैं तो उसके साथ में हमें मीडियम
लेना होगा जिसके अंदर हम इसको रखेंगे। तो पहले हम इनको आइसोलेट करते हैं, फिर उनको हम प्रिजर्व करते हैं। अब देखिए आप कि प्लांट सेल सस्पेंशन कंटेन लार्ज प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम ऑल्सो। सेल सस्पेंशन में क्या होगा, मीडियम के अंदर ही बनता है वो, हमने पहले ही पढ़ा था ये सेल सस्पेंशन, और हमने आपको बता चुके हैं कि सेल्स जो कैलस जब बना लेते हैं मीडियम पर, हम कैलस बना लेते हैं उसी को हम लिक्विड मीडियम पर रख के उसका, उसको रोटेटरी शेकर पे रखते हैं जिससे उसका सस्पेंशन बन जाता है। कैसे, क्योंकि कैलस की सेल्स जो फ्रेग्राइल होता है वो, और उसके बाद वो सेल्स जो है उसकी बिखर जाती हैं, इवन वन वन सेल भी उसकी सेपरेट हो जाती है, वन टू टू सेल सेपरेट हो जाती है और वो सेल सस्पेंशन कहलाता है। तो सेल सस्पेंशन किसके साथ होगा, ऑलरेडी मीडियम के साथ होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ होगा। इसको हमें, क्योंकि हमें सेल सस्पेंशन को ज्यादा अमाउंट में नहीं रख सकते हैं, उसका हमें जो सेल्स है असली चीज हमें रखनी है, सेल्स रखनी है उसकी, तो हम उसको पहले सेडिमेंट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम को जो एक्सेस मीडियम है वो निकाल देंगे सेडिमेंटेशन के बाद, और उसको आइस पाथ में रख के और उसे हम निथार करके, और केवल सेडिमेंट वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है वो हमारी सेल्स होंगी और उनको हम प्रिजर्व कर सकते। सेकेंड स्टेप आता है एडिशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट। तो क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या क्या है पहले हमें ये पता हो। दीज आर सच केमिकल्स, ठीक है, विच प्रोटेक्ट प्लांट मटीरियल फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं। जैसे आप देखते हो फ्रीजर में कोई चीज आप डालते हो खुली, तो क्या होता है उसमें आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं। इवन आप लोग आइसक्रीम जमाते हो, आइसक्रीम के अंदर जैसे दूध वाली जब आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें कहते हैं पानी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, हम उसको पहले खूब उबालते हैं, उसको बंद कर देते हैं, फिर भी उसमें थोड़े थोड़े आइस क्रिस्टल्स आते हैं, ठीक है। तो क्यों आते हैं, वो दूध की बात है। यदि हम एप्पल एक फ्रीजर में डाल देंगे, मतलब कोल्ड स्टोरेज कर दें डायरेक्ट, तो क्या होगा कि जो एप्पल के जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उनमें आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, आइस जमा हो जाएगी, पानी जो है उसके अंदर उसमें आइस जमा होगी। तो हमें पहले क्या करना है, उन पानी को ऊज आउट करना, बाहर निकालना, ठीक है, यानी कि उसको कुछ स्थिति प्लाज्मोलाइज करनी है और फिर हमें उसको स्टोर करना है जिससे आइस उसके अंदर ना जमे। तो क्रायो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स हम ऐसे डालते हैं, ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो कोल्ड स्टोरेज के इफेक्ट से डैमेज नहीं होने देते हैं प्लांट मटीरियल जो भी हम प्लांट स्टोर कर, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्रायोजेंस, ये क्रायोजेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या है, डाई मिथाइल सल्फोडाऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, पीपीजी, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, पीईजी, ये हमारे कहलाते हैं क्रायोजेंस, ओके। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इसके बाद देखिए पॉलीथिलीन, ये भी है, डाई मिथाइल एसीटेट भी है, ये सब क्रायोजेंस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स को, क्या कहना चाहिए, टिश्यूज को स्टोर करने के काम में आते हैं। दीज क्रायोजेंस आर यूजुअली एडेड इन 3 or 4 इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे इनको डाला जाता है, ये नहीं कि बस एक साथ डाला और स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स में डालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। इवन जब हम टेम्परेचर को भी रिड्यूस करते हैं तो टेम्परेचर भी हमें थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करना पड़ता है। एकदम से टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे उसका इफेक्ट आएगा, उसका गलत इफेक्ट आएगा स्टोरेज। ये कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्रायोजन यूज किए थे, और रोग वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रायोजन मेंटेन्स द ओरिजिनल रिलेशनशिप ऑफ सेल कंपोनेंट ड्यूरिंग सेल स्टोरेज। इन्होंने ये बात सिद्ध किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कोल्ड स्टोरेज के दौरान उसके सेल कंपोनेंट का रिलेशनशिप मेंटेन रहता है, ठीक है। ये लव स्टॉक है, दे एक्ट एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, देयरफॉर द सेल रिमेन सेफ इवन एट 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी अब सेल्स अपनी वायबिलिटी को बनाए रखती हैं। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, हमने प्लांट कलेक्ट कर लिया, प्लांट मटीरियल कलेक्ट कर लिया, और हमने उसको क्या दे दिया, क्रायो प्रिजर्वेटिव भी इकट्ठे कर लिए, उसके ट्रीटमेंट भी हम दे दिए। देन फ्रीजिंग ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे देना,
देखिए, द प्लांट्स हैव रिक्वायर्ड प्रॉपर प्री कूलिंग ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए प्री कूलिंग बहुत जरूरी है। हमने जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज को हम स्टोर करने से पहले उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर धीरे धीरे और ठंडा करते हैं, फिर और ठंडा करते हैं, फिर हम उसको ज्यादा ठंडा कर देते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जब हम मतलब धीरे धीरे रिडक्शन लाते हैं टेम्परेचर में, उसका इफेक्ट ओल्ड स्टोरेज का कुछ और होता है। उसमें आइस क्रिस्टल्स जमा नहीं होते हैं, धीरे धीरे सेल प्लाज्मोलाइट भी होती हैं, तो वो उसका बैड इफेक्ट नहीं आता है, गलत इफेक्ट नहीं आता है, बल्कि उसका मेंटेनेंस बना रहता है। तो प्लांट्स रिक्वायर प्रॉपर प्री कूलिंग ट्रीटमेंट बिफोर लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज। ज्यादा लंबा लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज से पहले हमें प्री कूलिंग टेम्परेचर देना पड़ता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि -135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम उसको कैसे रखते हैं, किसी भी मटेरियल को 10-10 डिग्री रिड्यूस करते हैं एवरी 3 मिनट्स। प्रत्येक 3 मिनट में 10 डिग्री टेम्परेचर को रिड्यूस किया है, ऐसा हम -135 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। ठीक है, इतना ठंडा करने के बाद देखिए, ड्यूरिंग प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट द टेम्परेचर इज लोअर ग्रेजुअली, ओके, ग्रेजुअली टू द रेट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 3 मिनट्स। प्रत्येक 3 मिनट पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, इसे कहते हैं ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। देन ऑल द एट द टेम्परेचर सेल्फ फ्रीजिंग ऑफ फ्रीजेबल वाटर ऊज आउट, जितना भी फ्रीजेबल वाटर है जो फ्रीज हो जाता है उसमें, वो बाहर निकल जाता है, तो उसे क्या होगा, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, सो दैट द सेल विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज। जितना पानी उसके आइस क्रिस्टल्स बनने लायक है वो पहले ही ऊज आउट हो जाता है धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस करने से, जिससे लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज पर उसका इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लांट मटेरियल कलेक्ट किया, क्रायो प्रिजर्वेटिव उसको दिए, क्रायोजन दिए यानी PEG, PPE और ये सब जो थे, डाइमिथाइल एसीडेट, ये सारे सब्सटेंस जो केमिकल्स हैं वो क्रायोजेंस कहलाते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया और फिर हमने उसको प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट दिया। तो प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट में क्या है, -135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम 10 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट में रिड्यूस करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज का प्लांट मटीरियल पर इफेक्ट नहीं आता, पूरा इफेक्ट नहीं। फ्रीजिंग यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग तरह की हैं, देखिए ये है कि फ्रीजिंग यूनिट्स हैं जिनके हम यूज कर सकते हैं, LR33 बायोलॉजिकल फ्रीजर, ये है प्रोग्राम फ्रीजर, ये है इसका पूरा नाम R-Zone, ये सब मिनी फ्रीजर, ये नाम है इनके जिनमें हम इनको फ्रीज कर सकते हैं, मतलब ये मशीनरीज हैं जिनके अंदर हम कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो -135 डिग्री सेल्सियस पर तो हमने ग्रेजुअली इनको ठंडा किया है 10 डिग्री पर 3 मिनट्स में रिड्यूस करके। देन नेक्स्ट स्टेप आता है लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज, इसमें हमें लिक्विड नाइट्रोजन पर प्लांट मटेरियल को रखना होता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है, एकदम प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज देती है, और जो प्री फ्रीजिंग टेम्परेचर जो हम दे चुके हैं उसका इफेक्ट इसमें नहीं आता, मतलब प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट हमें दिया ही इसलिए था कि डायरेक्ट जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन पर यदि प्लांट मटेरियल को रखते हैं वो डायरेक्ट फ्रीज हो जाता है, इट मीन्स उसमें आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। लेकिन प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट से क्या होगा, पहले ही सेल्स प्लाज्मोलाइज हो गई है, जो पानी था उसमें से पहले ही ऊज आउट हो चुका है, तो एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर नहीं है। तो आफ्टर प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट द सेल कल्चर इज ट्रांसफर टू ए स्मॉल फ्लास्क और बीकर। सबसे पहली बात, जो हमने प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट दिया है प्लांट मटेरियल को, उसमें से हम प्लांट मटेरियल को निकाल कर एक फ्लास्क में या बीकर में रख लेते हैं, और वो फ्लास्क या बीकर इंसुलेटेड होता है विद प्लास्टिक कवर से इंसुलेटेड होता है। देखिए इस तरीके से, ये जैसे हमारा ये फ्लास्क है, ये हमारा फ्लास्क है और इसमें हमारा प्लांट मटेरियल है, इसके ऊपर एक और कवर होता है, जैसे आपका थर्मस होता है बिल्कुल उसी तरीके से
जिसमें कि पानी गर्म करो तो गर्म, ठंडा रखो तो ठंडा, वो प्लास्टिक कवर से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो इंसुलेटेड हो गया विद अ थिक प्लास्टिक कवर टू प्रिवेंट डैमेज बाय लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि हम डायरेक्ट लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे हमारा ग्लास का सब्सटेंस जो है, ग्लास का जो बीकर है या फ्लास्क है, और हमारा प्लांट मटेरियल उसमें डैमेज हो जाए, डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन हम इंसुलेटेड फ्लास्क में रखकर, कॉनिकल फ्लास्क में रखेंगे और फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे। ठीक है, तो आफ्टर फ्री हीटिंग टेम्परेचर द सेल कल्चर इज ट्रांसफर टू स्मॉल फ्लास्क और बीकर, द फ्लास्क इज इंसुलेटेड विद अ थिक प्लास्टिक कवर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि इंसुलेटेड थिक प्लास्टिक कवर है जिस जो इसको बचाता है लिक्विड नाइट्रोजन के डैमेज, लिक्विड नाइट्रोजन से जो चीज डैमेज हो जाएगी उससे वो प्रिवेंट करता है, उससे उसे बचाता है इसको प्लांट मटेरियल। देन द कल्चर फ्लास्क इज एन कैप इन अ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन इन अ कंटेनर एंड कंटेन इन देन कैप्ड इन रेफ्रिजरेटर। फिर इस फ्लास्क को हम जो है क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं और उस बर्तन को पूरे को रेफ्रिजरेटर में डाल। ठीक है, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। तो ये हमारे चार स्टेप्स हो गए हैं जर्म प्लाज्म स्टोरेज के, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, देन आपका क्रायो प्रिजर्वेटिव्स को मिलाना, थर्ड स्टेप्स है इसका लो फ्रीजिंग ट्रीटमेंट, देन कौन सा लॉन्ग टर्म स्टोरेज। चार स्टेप्स हो गए हैं। अब ये जर्म प्लाज्म स्टोरेज हम करते क्यों हैं, ये मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा समझा दिया कि जो एंडेंजर्ड प्लांट है, जिन स्पीसीज को हम एक लिविंग एरिया में, लिविंग कंडीशन में नहीं संभाल पा रहे हैं, स्पीसीज कम हो गई हैं, लेकिन हम उनके टिश्यू कल्चर द्वारा लेबोरेटरी के अंदर उनको सुरक्षित रख सकते हैं और मिनिमल रिक्वायरमेंट पर रख सकते हैं, रिड्यूस ग्रोथ पर रख सकते हैं, जिससे रिड्यूस ग्रोथ मीडियम रखेंगे, मिनिमम ग्रोथ रिक्वायरमेंट वाला मीडियम रखें, और उस पर यदि हमारा कोई टिश्यू रखा हुआ है तो वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। यदि हमने उसको प्रॉपर ग्रोथ मीडियम पे रख दिया है तो वो बड़ा हो जाएगा, और उसमें से रीजनरेट यदि हम करेंगे तो पूरा बड़ा प्लांट हो जाएगा, उसको हम छोटे एरिया में नहीं रख पाएंगे। तो हम एक लिमिटेड एरिया में रखने के लिए उस प्लांट स्पीसीज को मिनिमल ग्रोथ रिक्वायरमेंट पर रखते हैं एट ए लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इनके एडवांटेज देखिए, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मटेरियल इज इजी। क्यों इजी है, क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है वो कम हो रही है तो हम उनको आराम से संभाल सकते हैं, वो छोटे एरिया में रखे जा सकते हैं, इसलिए मेंटेनेंस इसकी आराम से हो जाती है। एनी स्मॉल पीसेस ऑफ एक्सप्लांट सोर्स इज एनफ फॉर स्टोरेज, छोटे से छोटा मटेरियल भी हम स्टोर कर सकते हैं, प्लांट मटेरियल बहुत छोटे रूप में भी हम स्टोर कर सकते हैं। जर्म प्लांट कैन बी स्टोर्ड विद इन अ स्मॉल एरिया, जब छोटी चीज होगी तो हम स्मॉल एरिया में उसको स्टोर कर पाएंगे, इससे हम डिजीज फ्री क्लोन्स भी मेंटेन कर सकते हैं, देन रेयर स्पीसीज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि एंडेंजर्ड प्लांट्स जो है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको हम स्टोर कर सकते हैं, और प्रोजेनीज कैन बी रेज्ड व्हेनेवर वी आर नीडेड, जब हमको इस प्रोजेनीज की आवश्यकता होती है तो हमने उसमें से अपने स्टोरेज में से वो निकाला और हमने उसको रीजनरेट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद के टॉपिक में हम इसके रीजनरेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो रीजनरेट कर सकते। तो जर्म प्लाज्म स्टोरेज क्या है, लिविंग स्टॉक्स को जो हमारे पास है उपलब्ध स्पीसीज उनको एक लिमिटेड एरिया में लेबोरेटरी में प्रिजर्व करना, और किस पर, रिड्यूस्ड ग्रोथ मीडियम पर और लो टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।